Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Heaven's Kitchen by Jannat Usama. आज जो मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है स्प्रिंग रोल्स। स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मेरे पास हाफ बॉक्स एग नूडल्स का बॉईल करके रखा हुआ है, साथ में एक छोटी कैबेज है पर्पल कलर की, दो से तीन छोटी शिमला मिर्च है मीडियम साइज की, आप दो ले लें। साथ में ये मेरे पास गाजर रखा हुआ है, ये भी तीन मीडियम साइज की कैरेट्स हैं इस तरह लंबाई में कटा हुआ, और ये हरा प्याज है दो से तीन, दोनों पार्ट ले लिए व्हाइट पी ग्रीन पी, और ये डेढ़ कप मेरे पास श्रेडेड चिकन है बॉयल्ड एंड श्रेडेड चिकन, एक टेबलस्पून सेसमी ऑयल है, सीजनिंग में मेरे पास हाफ अ टीस्पून वाइट पेपर है, वन टीस्पून ब्लैक पेपर है, वन टीस्पून सॉल्ट है, वन टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट है, आप फ्रेश चॉप्ड गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, टू टेबलस्पून सिराशा सॉस है, टू टू थ्री टेबलस्पून सोया सॉस है और टू टू थ्री टेबलस्पून ही विनेगर है। तो चलते हैं अब अपनी कुकिंग की तरफ। अब मैं एक पैन में एक टेबलस्पून सेसमी ऑयल शामिल कर रही हूँ और साथ में गार्लिक पेस्ट, शामिल करने जा रहे हैं कैरेट, साथ ही इसमें ये शामिल करी हूं मैं चिकन, साथ में मैं ये शामिल करने जा रही हूं नमक, काली मिर्च और सफेद मिर्च का पाउडर। अब मैं शामिल कर रही हूं सोया सॉस, विनेगर और सिराशा सॉस। आप अगर सिराशा सॉस अवेलेबल ना हो तो तीन खाने के चम्मच हॉट सॉस भी यूज कर सकते हैं। अब मैं शामिल कर रही हूँ कैबेज, अब मैं शामिल कर रही हूँ कैप्सिकम, हरा प्याज और लास्टली एग नूडल्स। एक अच्छा सा स्टर दूंगी और मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार है, अब मैं इसको ठंडा करके आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब मैंने ले लिए हैं रोल पट्टी, रेडीमेड लिए हैं, मैं आपको अपनी नेक्स्ट रेसिपी में इसको होममेड बनाना भी सिखाऊंगी। साथ में मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया है और ये पानी के, ताकि मैं एक एक सॉफ्ट सी इसकी एक पेस्ट बना लूं जिसको हम लई कहते हैं, और फिलिंग मेरी ठंडी हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको रोल बनाने का तरीका। रोल बनाने के लिए ये मैं एक शीट ले रही हूँ, उसको इस तरह रख रही हूँ, साथ में मैं इस तरह हाथ से उठा के एक जेनरस क्वांटिटी में फिलिंग डालूंगी, उसको इस तरह फोल्ड करके साथ में ये पेस्ट लगाऊंगी और ऐसे रोल तैयार कर लूंगी। अब आप देख सकते हैं कि ये तमाम रोल्स तैयार हो चुके हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल गर्म करने रख दिया था और अब मैं इस तरह करके एक एक स्प्रिंग रोल फ्राई कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली फ्राई हो चुके हैं, इनपे एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।